अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, योर हेल्प बाय डॉक्टर अंबर कुरैशी में डॉक्टर अंबर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ बने हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहें। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट पर। ओवेरियन सिस्ट बेसिकली जो है वो अंडेदानी का ट्यूमर है, अंडेदानी की रसोली है, या इसको आम जुबान में पानी की थैली भी कहा जाता है। अब जो है वो आज जिस चीज़ पर हम रोशनी डालें कि ये ओवेरियन सिस्ट क्यों होती है, किन खवातीन में हो जाती है, इसकी अलामात क्या क्या हैं और इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इसके लिए हमें क्या क्या टेस्ट करवाने पड़ते हैं और इसके अलावा हमें इसके ट्रीटमेंट किस तरह लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये किन खवातीन में होती है। तो जो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, और ये किसी में भी हो सकती हैं। इसके लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, ये किसी यंग लड़की में भी हो जाती हैं, अनमैरिड बच्चियों में भी ओवेरियन सिस्ट देखी गई हैं। इसके अलावा जो है वो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यानी कि जो 16 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र का जो पीरियड है, इसमें ओवेरियन सिस्ट जो है वो ज़्यादा देखी गई है। और 40 साल के बाद की जो ओवेरियन सिस्ट उसमें जो है वो भी देखी गई हैं। और अगर जो है वो मीनोपॉजल एज ग्रुप में, यानी कि 50 ईयर्स के बाद ये सिस्ट बन जाए, तो ये सिस्ट ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। अब दूसरी बात ये कि पेशेंट की अलामात क्या होंगी ओवेरियन सिस्ट में। तो सबसे पहली बात ये कि पेशेंट समटाइम तो इस चीज़ से आगाह ही नहीं होता कि उसके अंदर, उसकी अंडेदानी के अंदर कोई पानी की थैली या ओवेरियन सिस्ट मौजूद है। पेशेंट हमारे पास रूटीन मुआयने के लिए तशरीफ़ लाती हैं, यानी कोई उनको कोई और प्रॉब्लम होती है या वो वैसे एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड के लिए आती हैं, तो हम उनको अल्ट्रासाउंड पे या मुआयना करके डायग्नोस कर लेते हैं कि उनके अंदर, उनकी अंडेदानी के अंदर पानी की थैली मौजूद है। इसके अलावा जो ओवेरियन सिस्ट है वो क्या क्या अलामात कर सकती है, वो दर्द कर सकती है। मरीज़ जो है वो दर्द के साथ आता है, और इसके अलावा जो है उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी पीरियड्स के अलावा भी दूसरे दरमियान में भी उसको, पीरियड्स के दरमियान में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसको कोई हार्मोनल इरेगुलरिटी हो जाती है सिस्ट की वजह से। इसके अलावा जो है वो उसको शदीद किस्म की जो है वो पेशाब करने में रुकावट हो सकती है या उसको पखाना करने में रुकावट हो सकती है। मरीज़ा आपके पास बांझपन के इलाज के लिए आती है और आप उसका डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको ओवेरियन सिस्ट है। बात यह कि ओवेरियन सिस्ट की क्या क्या वजूहात हैं। तो ओवेरियन सिस्ट की जो ज़्यादा कॉमन वजूहात हैं वो ये हैं कि एक तो PCOS है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, जिस पर मैं अपनी एक पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मल्टीपल छोटे छोटे फॉलिकल्स जो हैं वो अंडेदानी में बन जाते हैं, जो कि सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी कि अंडेदानी के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ मौजूद होती हैं पानी की, और ये जो है वो प्रॉपर अंडे को मैच्योर नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो औरत है वो बांझपन का शिकार हो जाती है। इसके अलावा जो ओवेरियन सिस्ट की वजूहात हैं उनमें से एक बहुत ही कॉमन वजह एंडोमेट्रियोसिस है। इसके अंदर बेसिकली जो ओवेरियन सिस्ट होती है, इसके अंदर पानी के बजाय खून इकट्ठा हुआ होता है, और ये खून वो होता है जो कि आपके मेंसेस का खून होता है, यानी कि कुछ खवातीन में ये खून नीचे से निकलने के बजाय उसके पेट में इकट्ठा हो जाता है और वो एक कलेक्ट करके एक सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसको हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। इसके अंदर खून मौजूद होता है जो कि पुराना होकर चॉकलेट कलर की शक्ल दे देता है, और अल्ट्रासाउंड में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी इन्फेक्शंस जो हैं, जिन कुछ हो सकती हैं, जो कि जिसको हम PID कहते हैं, और ये इन्फेक्शन जो है वो ट्यूबों और जो अंडेदानी है उसको मिला के एक मैस सा बना लेती हैं, इसको हम ट्यूबो ओवेरियन मैस कहते हैं। ये भी हमें पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से हुई हुई है। आपको जो है पेट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, उसकी वजह से भी सिस्ट बन सकती हैं। इसके अलावा जो सिस्ट की और वजूहात हैं वो ये हैं कि आपकी कुछ अंडेदानी के ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी रसोलियाँ होती हैं अंडेदानी की जो कि ख़तरनाक भी हो सकती हैं, यानी कि कैंसरस भी हो सकती हैं और बिनाइन भी हो सकती हैं। तो ये आपकी डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके और आपके मज़ीद कुछ टेस्ट करके अंदाज़ा लगा लेती हैं कि ये आपकी जो रसोली है
सबसे पहले इसकी टाइप क्या है और फिर हमें उस टाइप के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो डिसाइड करना होता है। अब ओवेरियन सिस्ट अगर आपकी डायग्नोज हो चुकी है तो उसमें कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं, किस तरह से उसको हमने आगे वर्कअप करना होता है, ये भी दोबारा से ओवेरियन सिस्ट की टाइप पर ही डिपेंड करता है। अल्ट्रासाउंड जो है वो मेन इन्वेस्टिगेशन है जिससे हमें पता चलता है कि ओवेरियन सिस्ट जो है वो किस किस्म की है। इसमें हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एक तो पेट के ज़रिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसके अलावा एक वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम TVS कहते हैं, उसके ज़रिए हम अंदर से जो सिस्ट है उसका पूरे जो है साइज़ उसकी सारी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या वो सिंपल सिस्ट है या वो कोई पेचीदा किस्म की सिस्ट बन गई है, वो सारा कुछ हमने अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं। इसके अलावा उसकी वास्कुलैरिटी के उसके खून की सप्लाई किस तरह की है, और उसके अलावा जो है वो हम MRI करवा सकते हैं पेशेंट का, ये देखने के लिए कि उस सिस्ट के साथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मौजूद हैं पेट के अंदर। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि जिनको हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं। अगर आपकी ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हो जाती है तो आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस कर देती हैं कि आप अपने ट्यूमर मार्कर्स करवा लें, तो वो ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो करवा लेते हैं। अब सबसे पहली बात है कि कुछ सिस्ट जो हैं वो फिजियोलॉजिकल होती हैं, यानी ख्वातीन में बनती ख़त्म होती रहती हैं, ये सिंपल पानी की सिस्ट्स होती हैं और अमूमन इनके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। सो ट्रीटमेंट, जब हम इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले जो सिंपल सिस्ट है और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं आपको कह रही और वो उसमें सिर्फ सिंपल पानी है और अल्ट्रासाउंड में उसकी कोई पेचीदगी नज़र नहीं आ रही, तो डॉक्टर्स अमूमन इंतज़ार करने का कहते हैं। अमूमन 1 या 2 महीने में ये सिस्ट खुद ही रिजॉल्व हो जाती है और ख़त्म हो जाती है और इसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी ट्रीटमेंट हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है कि कुछ हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद होती हैं जो कि हम कुछ ख़ास किस्म की सिस्ट में देते हैं और उन मेडिसिन के देने से वो सिस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है अगर आपकी जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उससे भी सिस्ट ख़त्म ना हो और मेडिसिन से भी ख़त्म ना हो और वो एक अलामत कॉज कर रही हो, यानी आपको पेन है, आपको कोई मसला हो रहा है, तो फिर डॉक्टर जो हैं वो सर्जरी की तरफ आ जाते हैं जिसके ज़रिए पेट में एक कट लगा के भी निकाली जा सकती है ये सिस्ट। और इसके अलावा आजकल हम एक कैमरे के ज़रिए अंदर कैमरा डाल के सिस्ट को हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी निकाल देते हैं। इस कैमरे को हम लेप्रोस्कोप कहते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर का कट लगाया जाता है पेट के अंदर और उसके ज़रिए हम कैमरा एंटर करते हैं और वहीं से उसी के ज़रिए हम सिस्ट को निकाल देते हैं। और सिस्ट जो है उसको हम निकालने के बाद हम उसकी बायोप्सी करवाते हैं, उसका लेबॉरेटरी टेस्ट करवाते हैं कि वो कोई ख़तरनाक किस्म की सिस्ट तो नहीं थी। अगर वो कोई ख़तरनाक किस्म की सिस्ट होती है तो समटाइम्स आपको सिस्ट के निकलने के बाद भी कुछ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी पड़ती है, कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं या कुछ श्वाएँ वगैरह लगवानी पड़ सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिस्ट किस टाइप की निकली है, या फिर कुछ इंजेक्शंस वगैरह आपको रेगुलर देने पड़ते हैं ताकि आपको रिकरेंस ना हो उस सिस्ट की। और इसके अलावा जो है वो सिस्ट में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, अगर आपके पेट में आपकी अंडेदानी के अंदर सिस्ट मौजूद है तो फिर सबसे पहली बात तो ये कि वो फट सकती है सिस्ट, यानी कि और रप्चर हो जाए और उसके ज़रिए पेट के अंदर खून या पानी इकट्ठा हो जाए, ऐसी सूरत में भी पेशेंट शदीद तकलीफ़ के साथ हॉस्पिटल आती है। दूसरी सूरत ये है कि सिस्ट जो है वो घूम जाती है, यानी कि टॉर्शन हो जाती है सिस्ट की, उस सूरत में भी पेशेंट एमरजेंसी में आपके पास आती है शदीद तकलीफ़ के साथ। तीसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि कोई उसमें हेमरेज हो सकता है, उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और उसकी वजह से भी पेशेंट शदीद तकलीफ़ के साथ आती है। सिस्ट जो है वो साथ वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, आपके दूसरे जो अज़ा हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकती है और इसके अलावा आपको और भी मसाइल हैं वो कर सकती है। इसलिए अगर आपको कोई इस किस्म की अलामत हो रही है, आपको कोई दर्द हो रही है या आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है, अगर आपकी कोई सिस्ट डायग्नोज हो चुकी है तो आपने इसको लाइट नहीं लेना, अपनी डॉक्टर के पास जाएं, इसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करवाइए कि ये किस किस्म की सिस्ट है और आपको किस तरह की ट्रीटमेंट इसमें जो है वो सीख करनी है और आगे किस तरह से इसको लेके चलना है। थैंक यू सो मच।